अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 10 साल की बच्ची की फ्रॉक की बॉडी का पैटर्न। बनाने के लिए हमें चाहिए पॉइंटर, मार्कर, पेपर कटिंग सीजर, इंच टेप, जैपनीज स्केल, ये कर्व वाला स्केल है, आप कोई भी स्केल यूज कर सकते हैं, फ्रेंच कर्व है और चार्ट पेपर है। 11 इंचीज मेरी बॉडी की लेंथ है फ्रॉक की, 8.5 इंचीज इसकी विथ रखेंगे हम। तीरे का साइज है 6 इंचेस। आर्म होल की गहराई हम रखेंगे 5.5 इंचेस। पैटर्न बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बगैर पैटर्न के भी कपड़े बन जाते हैं, लेकिन पैटर्न बनाने से गलती की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। पैटर्न की मदद से आप हर एक एक सेंटीमीटर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इससे कपड़े को बिल्कुल मुकम्मल माहिर दर्जी की तरह या बेहतरीन डिज़ाइनर की तरह आप अपने कपड़ों को रेडी कर सकते हैं। पैटर्न की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। पैटर्न बनाने के बाद आपका काम आधा आसान हो जाता है। पैटर्न की मदद से काटे गए कपड़े में कोई गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती और एक माहिर दर्जी की तरह आप अपने कपड़ों को सी सकते हैं। और आज हम जो पैटर्न बनाने जा रहे हैं वो है 10 साल की बच्ची की फ्रॉक की बॉडी, और वो है ड्रॉप शोल्डर बॉडी। ड्रॉप शोल्डर बॉडी की फ्रॉक का पैटर्न हम बनाने लगे हैं। यह पैटर्न बनाना भी बहुत आसान है और पैटर्न बनाने के बाद काम हमारा और भी आसान हो जाता है और गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हमारी नेक है डीप 3 इंचेस और नेक की विथ भी हम रखेंगे 3 इंचेस। ऑफ शोल्डर बॉडी बनाने के लिए हम शोल्डर का साइज लेंगे यहां से। मेरी मेजरमेंट है 28 इंचेस। ये डिपेंड करता है साइज़ के, बेबी कितना हेल्दी है या स्लिम है, उस हिसाब से यहाँ पर ये शोल्डर का साइज़ लिया जाता है। 28 इंचेस हमारी विथ रेडी हो रही है, डिवाइडेड बाय 4। 7 इंच का इधर निशान लगाएंगे, स्केल की मदद से शेप देंगे। थ्री इंच हमने डीप रखना है। ये हमारी सिलाई का निशान है, यहाँ से हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे, फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको शेप देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे पेपर सीजर से। इस पार्ट को हमने वेस्ट नहीं करना, इसको भी कट कर लेंगे। नेक का पार्ट हम अलग करेंगे। ये हमारी बॉडी की फ्रिल की शेप है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। 1.5 इंच का गैप रखेंगे और निशान लगाएंगे 11 इंच की लेंथ तक। ये हमारी 11 इंच की लेंथ है। ये हमारा बैक पार्ट है, इस साइड पर जिप आएगी, उसके लिए गुंजाइश रखेंगे।
ये हमारा सिलाई होके अंदर जाएगा जिप के साथ। अब हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे, निशान लगाएंगे। थ्री इंच हमारा ये डीप है, 3 इंच का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम अपनी बेल्ट का साइज रखेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट पार्ट की शोल्डर की गहराई के लिए हाफ इंच का निशान लगाएंगे, तिरछी लाइन लगाएंगे।